गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हमने इससे पहले वाली वीडियो में एडिशन देखा, सब्सट्रैक्ट करना सीखा टाइमिंग को. आज हम क्या करना सीखेंगे, व्हाट करेक्ट टाइम इट विल बी. यानी अभी इस समय, जैसे ये समय हो रहा है, अब मैं आपसे पूछूँ इतने घंटे बाद कितना समय होगा, तो इसे निकालने भी बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं. मैं समझती हूँ आपको थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं आता होगा. तो पूरी तरह से समझने के लिए हम क्वेश्चंस को समझना स्टार्ट करते हैं. ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन, जैसे इसमें उसमें हम 8 क्वेश्चंस कर चुके थे ना एडिशन और सब्सट्रैक्ट में, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है. क्वेश्चन नंबर 9 है 8 hours 41 minutes आफ्टर 11:30 PM. यानी 11:30 PM हो रहा है तो 8 घंटे 41 मिनट्स बाद क्या टाइम होगा. ओके, यानी 11:30 हो रहा है तो 8 hours 41 minutes बाद कितना टाइम होगा. अब इसमें हम क्या करते हैं, केवल और केवल मिनट्स को कैलकुलेट करते हैं. ओके, यहाँ पर आया 71 मिनट्स और वही दानी, ये बहुत बड़ा दानी है, तो ये अपने 71 में से 60 मिनट्स जो है वो किसको दे देगा, इसको दे देगा. ठीक है, यानी यहाँ पर इसके पास रह गए 11 मिनट्स. अब हम टाइम निकालेंगे. कैसे टाइम निकालते हैं, उसके लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. 11 PM का मतलब है कि रात के 11:30. ठीक है, अब 11 के बाद हम घंटे कितने कैलकुलेट करेंगे, इसमें 8 घंटे कैलकुलेट करेंगे ना. तो 11 के बाद 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है, 8 है ना यहाँ पे, यानी सुबह के 7 बजेगा. लेकिन सुबह के 7 बजेगा, लेकिन एक जो 60 मिनट्स है वो भी तो इसने इसको दे दिए, तो सुबह के 7 बजे के बजाय कितना बजेगा, 8. यानी कितना टाइम होगा, 8 hours 8 AM. इज इट क्लियर. चलिए मैं एक बार और बता देती हूँ. जैसे कि हमने इसमें से मिनट्स कैसे निकाले, 11:30 में हमने 41 मिनट्स और ऐड कर दिए. ठीक है, 41 मिनट्स और ऐड किए तो मेरे पास कितना आया, 71 मिनट्स आया. अब ये 71 मिनट्स है, यानी इसमें 60 मिनट्स हम आराम से माइनस कर सकते हैं. तो हमने 60 मिनट्स माइनस किए, माइनस करने पर अब हमारे पास केवल 11 मिनट्स रह गए. अब अगर मैं 11 बजे, रात का 11 बजे है, और उसमें 8 घंटे जोड़ूँ, तो 11 के बाद आगे बढ़िए 12 बजेगा, फिर 1 बजेगा रात का, 1 है ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ तक 8 घंटे हो गए, है ना. लेकिन तो यहाँ तक 8 घंटे होने के बाद यहाँ पे कितना बज रहा था, 7 बज रहा था, लेकिन इसने भी तो इसका 1 घंटा बढ़ा दिया ना, तो अब 7 की जगह कितना बजेगा, 8 बजेगा. यानी 8:11 AM होगा. आया ना समझ में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आ जाएगा समझ में आपको. क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा 56 मिनट्स आफ्टर 3:25 PM. 3:25 PM का मतलब क्या है, दोपहर के 12 बजे. तो हम इसमें बिल्कुल वैसे ही करेंगे, 3:25 PM में 56 मिनट्स को ऐड कर देंगे, क्योंकि 56 मिनट्स बाद ही तो टाइम पूछा है. यानी यहाँ पर आया 81 मिनट्स. सेम है, यहाँ पे भी हम 60 मिनट्स जो हैं इस अपने पड़ोसी को दे सकते हैं. ठीक है, तो 81 में से 60 माइनस करेंगे 1, यानी अब यहाँ पे इसके पास रह जाएंगे 21 मिनट्स. तो ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पे घंटे का कुछ है ही नहीं. यानी अगर 3 के बाद 1 घंटा, ये वाला 1 घंटा इसको मिल गया, यानी 4 बज जाएगा. तो यानी 4:21 होगा इसका टाइम, क्या होगा, 4:21 होगा. ठीक है ना, ये तो थोड़ा आसान था. चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे. ठीक है, आ रहा है ना मजा. और अगर देखो बच्चों, एक बार वीडियो समझ में नहीं आती है, फिर दोबारा देखो, कभी ना कभी तो आएगी. आप भी पीछे पड़ जाया करो. और नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 hours 16 minutes.
आफ्टर 12:47 PM। तो वही सेम चीज हम मिनट्स जो है उसको एडिशन करके ही निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि 12:47 यानी दोपहर के 12 बज रहे हैं और इसमें हम 16 मिनट्स केवल और केवल मिनट्स को ही ऐड करते हैं, ठीक है। यानी 63 कितना हो रहा है, 63। तो 63 में से सेम वही ये अपने 60 मिनट्स जो है वो यहाँ पे इसको दे देगा, यानी अब यहाँ पे इसके पास रह जाएंगे केवल 03 मिनट्स, ठीक है। अब हम वैसे ही करेंगे, 12 बज रहा है, दोपहर के 12 बज रहा है, उसमें 5 घंटे जोड़ेंगे। तो 12 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 यानी शाम का फिर 5 बजेगा, लेकिन 5 बजे 5 तो बजेगा लेकिन एक जो 60 मिनट्स इसने इसको दिए हैं इसकी वजह से इसका एक घंटा और बढ़ जाएगा। तो अब 6 बज के